नंबर 7 है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो. y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो. फिर वही वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में लाना है, तो इसको लिख पाएंगे y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई. अब क्या लिख सकेंगे इसे, dx अपॉन x, और राइट साइड में है आपके पास डी वाई अपॉन y log y. अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं. dx बाय x का इंटीग्रेशन इज नोन टू यू, इसका इंटीग्रेशन है log ऑफ x बेस e. इसमें log y को मॉड भी लगा सकते हैं आप, नो इश्यू. इसमें log y को t रख देंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, या ऐसा समझे कि डी टी अपॉन डी वाई इज 1 बाय वाई, तो डी वाई इधर आ गया, तो डी वाई अपॉन वाई इज कैन बी रिप्लेस बाय डी टी. तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल नेचुरली आप जानते ही हैं कि इसी के जैसा है, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स के जैसा. तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स बेस ई, ये हो जाएगा लॉग टी बेस ई, लॉग टी बेस ई प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट, वो ले लें आप लॉग सी बेस ई, सब कुछ लॉग में, तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी लॉग में ले लें. यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग एक्स बेस ई, यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें तो हो जाएगा टी इंटू सी बेस ई. दोनों साइड लॉग हटा देंगे, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टी इंटू सी या सी इंटू टी, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है लॉग एक्स, उस लॉग एक्स का भी बेस ई है, इस लॉग का भी बेस क्या है, ई है. ये आप ध्यान देखें, ये अगर आपको बुक में नहीं दिया है तब भी इसका बेस ई है. ट्वेल्थ क्लास में ये खास बात है कि अगर बेस नहीं दिया है लॉग का, आप बुक में भी देख सकते हैं कि बेस नहीं दिया है, तो बेस आपको यू विल हैव टू कंसीडर दैट बेस एज ई. अदरवाइज यूजुअली जो ट्रेडिशन है, यूजुअल ट्रेडिशन ऐसा है कि लॉग में अगर बेस नहीं दिया होता है तो दैट बेस इज कंसीडर्ड एज 10, 10 मानते हैं उसको, पर यहाँ पे बेस अगर नहीं दिया है तो ई मानते हैं उसको. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन है आपका एक्स टू द पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5. तो इसको आप लिख पाएंगे डी वाई अपॉन वाई टू द पावर 5 माइनस, आप इधर रखें उधर रखें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आखिरी लास्ट में आपका सेम आएगा. डी एक्स इधर चला गया डी, और एक्स टू द पावर 5 नीचे आ गया. अब आप ध्यान से देखिए, बोथ कैन बी इंटीग्रेटेड बिकॉज वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड. इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको ऊपर लेना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, और इसको भी ऊपर लेना पड़ेगा. अब y टू द पावर माइनस 5 का इंटीग्रल होगा y टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4, x टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, ये भी आप समझ गए होंगे माइनस 4. तो कांस्टेंट आप ठीक सोच रहे हैं, उसको अब c माइनस 4 ले लेंगे, c अपॉन माइनस 4. क्या फ़ायदा होगा, ये माइनस 4, ये माइनस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों y टू द पावर माइनस 4. तो चाहे तो आप ऐसा लिख दें 1 अपॉन y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस c. अब c में आप c टू द पावर 4 लिखें, 1 अपॉन c टू द पावर 4 लिखें, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर था 8. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. आपको यहाँ पर लगता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन करना मतलब इंटीग्रेशन करने जैसा ही है, तो एग्जैक्टली इट इज़ मोर और लेस सेम एज इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन जैसा ही काम है लगभग, पर हाँ इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज़ होता है, इंटीग्रेशन भी यूज़ होता है.
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसीलिए आप इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपको तकलीफ देता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये यहाँ मान लीजिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ उन्होंने मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन लिख दिया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टू द पावर फोर प्लस कॉस एक्स टू द पावर फोर, तो कहने के लिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। पर बेसिकली ये क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात हो गई कि अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए अपने को। तो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट यू टू बी परफेक्ट इन इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आगे बढ़ते हैं हम, और अगर आप चाहते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को खूब अच्छे से समझें तो आप मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सब सारे टॉपिक्स की आपके ट्वेल्थ क्लास की लिस्ट डली है, इलेवेंथ में जाएंगे इलेवेंथ की डली है, नाइन्थ में जाएंगे नाइन्थ की डली है, इस तरीके से सभी क्लासेस की मैंने डाल दी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी डी एक्स उधर गया तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा। वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड देयरफॉर नाउ वी कैन इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन होगा वाई, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। या कुछ बच्चे सोचते होंगे x की जगह साइन थीटा रख देंगे तो इवन देन नो प्रॉब्लम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो वो कर लें चाहे ये कर लें, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल आपको पता होगा, फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट। मैं लिख भी बहुत सिस्टमेटिकली रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो नो प्रॉब्लम आप बताइएगा। फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल ऑफ व्हाट सेकंड फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन यानी वन, वन का इंटीग्रेशन। आइलेट के हिसाब से चले हम, आइलेट नियम के हिसाब से है ना, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है, ये हमने इंडेफिनेट में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी फिर भी हम इससे चलते हैं। इनवर्स लॉग, तो ये इनवर्स है तो इनवर्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी, इसको पहला मानेंगे। और अलजेब्राइक, वन किस में आता है तो कॉन्स्टेंट्स कम इनटू कैटेगरी ऑफ अलजेब्राइक, अलजेब्रिक नहीं अलजेब्राइक, अलजेब्राइक। तो वन सेकेंड फंक्शन माइनस एक डिफरेंशिएशन ऑफ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, डी डी एक्स किसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट वन और फिर उसका पूरे का इंटीग्रेशन होगा, फिर उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो ये रूल अब मैं रब कर देता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स, या फिर x साइन इनवर्स x लगा दें, अभी ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, साइन इनवर्स के जस्ट बाद x से तो समझ में कैसे आएगा कि अलग है, या फिर आप इनटू डॉट लगा के अलग करें, या एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख दें माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी व्हाट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स। अब ये डी एक्स खत्म हो गया दोस्तों, वन के इंटीग्रेशन के साथ खत्म हुआ, पर ये डी एक्स बचा हुआ है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t रख देंगे और dt टी बाई डी एक्स निकालेंगे। dt टी बाई डी एक्स क्या होगा, dt टी बाई डी एक्स विल बी माइनस टू एक्स। आप क्या कर देंगे इसको, तो ये देखिएगा x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, dt टी अपॉन माइनस टू। तो x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों dt टी अपॉन माइनस टू से, तो ये इंटीग्रल हमारे पास होगा dt टी अपॉन माइनस टू अपॉन रूट टी। वन बाय रूट टी का इंटीग्रल आप याद रख सकते हैं, टू रूट टी, लेकिन अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि किस नियम से ऐसा हो रहा है। ओके, और इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगाना हमें ज़रूरी है, अभी नहीं लगाया तो बाद में लगा दीजिए, लेकिन आप आगे देखते हैं। चलिए वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटू दिस माइनस विल बिकम प्लस वन बाय रूट टी, वन बाय रूट टी और वन बाय रूट टू, सॉरी ये वन बाय टू बाहर आ गया, ये वन अपॉन रूट टी है। वन अपॉन रूट टी मीन्स वॉट, टी टू द पावर वन बाय टू, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, टी टू द पावर माइनस वन बाय टू डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर माइनस वन बाय टू आपको मालूम है, टी टू द पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन,
एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू टी टू द पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी जो हमने पहले लिखा था। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू, ये वन माइनस वन बाय टू इज वन बाय टू, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो वो टू हो जाएगा। ये होगा वन माइनस वन बाय टू वन बाय टू, टी टू द पावर वन बाय टू मीन्स रूट टी। वही मैं आपको कह रहा था कि आप याद रख सकते हो, यू कैन कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इंटीग्रल ऑफ वन बाय रूट एक्स इज टू रूट एक्स। आप इसको एक रिकॉर्ड में रख लें तो जब जब भी ये आए, जैसे आप वन बाय एक्स का लॉग एक्स लिख देते हो, इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स लॉग एक्स याद रखते हो, वैसे ही आप इसको भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट एक्स इज टू रूट एक्स। तो ये आ गया दोस्तों इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी इज देयर तो प्लस सी लगा देंगे, टी की वैल्यू रखना है, टू से टू को कैंसिल करना है, कर दीजिए। आंसर क्या आ गया आपके पास? वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये था क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 9। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अब हम 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं, आप की मेहनत काम आ रही है और नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये कहता है e टू द पावर x टेन वाई डी एक्स, ई टू द पावर x टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। तो e टू द पावर x tan y dx को आप यहीं रखें, इसको उधर भेज दें तो उधर जाएगा, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और उस माइनस को अगर हमने अंदर कर दिया तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वन sec स्क्वायर y dy। आपको मालूम है dx हमेशा ऊपर रहेगा और dy भी हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी सब आते रहेंगे x वाले x की तरफ, तो इसको इधर भेज दीजिए तो ये जाएगा आपका e टू द पावर x dx अपॉन e टू द पावर x माइनस वन, और tan y को नीचे भेज दीजिए इधर sec स्क्वायर y tan y dy। तो ये हमने ऐसे किया, आप ध्यान से देखें इसको, वेरिएबल सेपरेट हो गए, वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इसके लिए हमें ई एक्स माइनस वन को t रखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वन, तो dt टी बाई डी एक्स विल बी वॉट ई टू द पावर x का ई टू द पावर x अपॉन का dx यहाँ भेज दीजिए, इधर tan y को v रख दीजिए या u रख दीजिए। अब यहाँ पे करेंगे du अपॉन dy, du अपॉन dy क्या होगा sec स्क्वायर y, dy जो अपॉन का है वहाँ यहाँ भेज दीजिए sec स्क्वायर y dy, इसको du से रिप्लेस कर सकते हैं, अपॉन में क्या आ सकता है u, इसमें ex dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं dt से, अपॉन में आएगा t, तो इंटीग्रल क्या बन जाए, वो सॉरी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी देखिएगा, इंटीग्रल dt अपॉन t इज इक्वल टू du अपॉन u और इसका इंटीग्रल होगा log t बेस e log u बेस e log c बेस e। कांस्टेंट भी हमने log वाला ले लिया, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि सब कुछ अगर log में है तो कांस्टेंट को भी हम log में रखना प्रेफर करेंगे। क्या होगा उससे? बहुत आसानी से वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो log t बेस e log यू सी लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन बेस ई, दोनों तरफ से लॉग लॉग हटा दें, टी का वैल्यू भी डाल दें, ई टू द पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी इंटू यू का वैल्यू है टेन वाई। तो ये है दोस्तों आपका आंसर, ना तो इसमें वाई की वैल्यू निकालना है ना एक्स की निकालना है, ये आपका आंसर है। और इसको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है,
फिर भी आप अपनी बुक में आंसर देख सकते हैं कि बुक में क्या आंसर हैं। अब थोड़े से ठीक क्वेश्चन और जिसमें आपको सीखने को मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। और इनिशियल कंडीशन है, इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं। क्या है कंडीशन? कि y 1 है व्हेन x इज 0। तो इसका क्या यूज है? तो दिस विल बी यूज्ड एट द लास्ट टू फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। तो y की टर्म y dy को छोड़ के और कहीं y नहीं है, सब कुछ x का ही है। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x dx और होल अपॉन में आएगा वो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाएंगे नीचे और फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, तो वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, देयरफॉर वी कैन इंटीग्रेट नाउ। सो ऑन इंटीग्रेटिंग लेट्स सी, टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में से देखिए ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो वी कैन टेक कॉमन एक्स स्क्वायर सो दैट इट बिकम्स एक्स प्लस वन प्लस, ये एक्स प्लस वन है। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वन। तो हमारे पास क्या रहेगा देखिएगा, अब इसमें कोई खास बात नहीं है एक्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे आपकी नजर रहेगी। इधर लेफ्ट साइड में लिखा था dy, dy का इंटीग्रेशन वी कैन राइट y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 dx इज देयर। अब दोस्तों हमें इसका क्या बनाना है? तो हमें इनके इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल है पर आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो उसका भी सल्यूशन है, मैंने उसके लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिससे आप सारे टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन सीख सकते हैं। a अपॉन x प्लस वन, और ये फैक्टराइज नहीं होता तो इसके लिए लिखेंगे हम bx एक्स प्लस सी अपॉन। अभी हम इस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आई है उसको हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ समझना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में। तो x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे भी देखिएगा आप x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जब बनता है फिर एलसीएम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम x की वैल्यू सुविधा के हिसाब से लेते हैं। सुविधा किस तरह की? जैसे हम x की वैल्यू एक ले लेंगे माइनस वन, तो एक वैल्यू हमको खट से मिल जाएगी, फटाफट मिल जाएगी। x की वैल्यू इसको जीरो से इक्वेट किया, x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन यू नो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस वन रखा दोनों साइड, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन, ए इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस वन। ओ माई गॉड, यहाँ पे x प्लस लिख वन लिखना भूल गया था मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा b इंटू
माइनस वन प्लस सी, पर ये आपका हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये हो गया जीरो, तो इसलिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू बी एक्स, ये दिस जीरो, क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास टू इंटू वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, टू माइनस वन विल बी वन, ये देखिए माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो ए इंटू टू, वन इज इक्वल टू आया आपके पास टू ए, तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास, ए इज वॉट, ए इज वन बाय टू, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो अब आप किसके बारे में मत सोचे, अब जैसे ही हमारे पास ए का वैल्यू आ जाता है दोस्तों, तो अब हम वैल्यू अपनी रिकॉर्ड में रख लेते हैं, ए की वैल्यू वन बाय टू होगी, अब बी और सी की वैल्यू निकालना है, तो ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, ये डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो गए थे तो इनको भी रब कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, अब x की दो वैल्यूज आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो मन से कोई ऐसी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू जीरो ले ली, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा जीरो, राइट साइड क्या हो जाएगा हमारा a इंटू जीरो प्लस वन ए, यहाँ ये वाला हो जाएगा b इंटू जीरो जीरो प्लस सी, सी इंटू जीरो प्लस वन सी, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस a, तो c की वैल्यू माइनस a आ गई, तो c इज वॉट, सी हो गया माइनस वन बाय टू, तो ये भी आप अपने दिमाग में रख लें कि सी इज़ वॉट, सी इज़ माइनस वन बाय टू। अब हमारी बात है अगली कि हमको बी निकालना है, तो बी निकालने के अलग अलग तरीके हैं, तो हम सबसे सरल तरीके पे आते हैं, एक्स की कोई छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं वन, वो वैल्यू लेंगे जो अभी तक नहीं ली थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू इंटू वन। हो सकता है आप इस वीडियो को देखते देखते जैसे थक से गए हों, तो आप इसको दो पार्ट में देख लें, तीन पार्ट में देख लें, a इंटू वन प्लस वन, बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस वन, तो ये आ गया आपके पास टू प्लस वन थ्री टू ए। आप चाहें तो आप a का वैल्यू लिख लें, टू इंटू वन बाय टू a का वैल्यू है, और b c का भी वैल्यू ले लें, माइनस वन बाय टू इंटू वॉट टू। अब इसको कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है, b की वैल्यू निकाल लेना है, तो बिल्कुल आसानी से इजीली हैप्पीली निकल आएगी। तो देखिएगा क्या होगी b की वैल्यू, तो इसको 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे कैंसिल कर दिया, 3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 प्लस 2b, और माइनस वन बाय टू इंटू टू माइनस वन, ये वन वन कैंसिल, बी की वैल्यू थ्री बाय टू आई, बी की वैल्यू आपके पास आ गई थ्री बाय टू। तो ये सारी वैल्यूज जब आ गई आपके पास, उन सबको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू वन, इसका इंटीग्रेशन होगा वन बाय टू एक्स प्लस वन डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, इस वाले को देखें ध्यान से, थ्री बाय टू एक्स माइनस वन बाय टू, और आप अगर चाहें तो दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन, या चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रल वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बेस ई, फिर मैं कह रहा हूँ मॉड लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये हो जाएगा आपका थ्री बाय टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो चाहें तो आप बहुत आसानी से ऐसा कर लें, थ्री बाय टू इंटू टू कर लें, इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने की हमारी इच्छा है और कोशिश, और आप जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये था, अब आगे का काम देखिएगा, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है वन अपॉन टू लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बेस ई प्लस थ्री बाय फोर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैसे लिख दिया हमने, तो इसको लिखने के लिए ये वाला आप फॉर्मेट भी ध्यान रख लें, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसको आप बहुत डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसको लिख देंगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बेस ई, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रहता है तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स को टी लेते हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो हो जाता है हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स जो कि डी टी, डी टी अपॉन टी लॉग टी, फिर टी की वैल्यू रख देते हैं तो, और उसमें इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं यूज होता, तो वो भी याद रखिएगा। तो ये हो गया इसका माइनस हाफ। अब ये वाला इंटीग्रल है आपके पास हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो आप ध्यान से सुनिए, अब सी का वैल्यू निकालना है तो सी के वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है कि गिवन वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज जीरो, गिवन गिवन वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो। तो एक्स की जगह जीरो रख दें और वाई की जगह वन रख दें तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वन और वन बाई टू लॉग, यहाँ पर आपको मालूम है एक्स की जगह जीरो तो लॉग वन, लॉग वन फॉर एनी बेस बेस इज जीरो तो ये भी जीरो, प्लस थ्री बाय फोर लॉग जीरो प्लस वन ये भी वन तो ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस वन बाय टू टेन इनवर्स, हमारे पास कितना आ जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा, ओ माय गॉड टेन इनवर्स जीरो प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो क्योंकि टेन इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, लॉग वन इज ऑलरेडी यू नो जीरो, तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस सी, तो सी का वैल्यू आ गया दोस्तों वन। अब ये जो सी की वैल्यू आई है वन, वो एट द लास्ट आपको इसमें ले जाके रखनी है सॉल्यूशन में, तो वेयर इज़ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज दिस, यहाँ पर हम सी की वैल्यू रख देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आई वन, सो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 11, और देखा आपने कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एकदम शानदार जानदार सवाल था। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 12th का है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, और बाउंड्री कंडीशन दी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज टू, y इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज टू, y की वैल्यू जीरो होगी जब x की वैल्यू टू होगी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं dy इधर ही रखें dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको फैक्टर बना दें x माइनस वन एक्स प्लस वन, फिर पार्सल लगा दें, लेकिन इसके लिए अपने पास उससे सरल उपाय है, वो क्या है देखिएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, y वाले y की तरफ थे x वाले x की तरफ थे, तो इंटीग्रेट किया dy का इंटीग्रेशन y। यहाँ पर आप एक काम करें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर को हम टी लिख देंगे, टी इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, वन का डिफरेंशियल जीरो, एक्स टू और माइनस टू का डिफरेंशियल माइनस टू, तो ये इस माइनस को काट देगा, और माइनस टू माइनस वन माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा दिस, और डी टी अपॉन क्या लिख दें आप टू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर माइनस थ्री को नीचे ले लें, तो डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर थ्री की जगह हम लिख सकेंगे डी टी अपॉन टू, तो ये आपके पास हो जाएगा डी टी अपॉन टू अपॉन दिस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड टी, तो ये पूरे की जगह टी आ गया। अब इज इक्वल टू क्या है वाई, y इज इक्वल टू आप देख सकते हो y इज इक्वल टू वॉट वन बाई टू, y इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी बाई टी, डी टी बाई टी का इंटीग्रल होगा log t प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, y इज इक्वल टू वन बाई टू log t का वैल्यू, t का वैल्यू है आपके पास वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, और अब आपके पास है वो व्हेन y x टू y जीरो उसको यूज़ करो, x की जगह टू सब्स्टिट्यूट करो y की जगह जीरो, बिकॉज वी आर गिवन x की जगह टू y की जगह जीरो, तो जीरो वन बाई टू log बेस इसका ही है, ध्यान रखिएगा बेस इसका ही है, बेस पे अपन ने डिस्कशन बहुत पहले कर लिया है,
तो बात बात डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। ये आ गया आपके पास C का वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो C का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, फिर हम देखते हैं क्या करना है उसका। तो जब C का वैल्यू आ जाएगा उसको इसमें रखेंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कहाँ है? तो सॉल्यूशन दोस्तों ये है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें हम C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो C की वैल्यू निकालने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अंदर ही अंदर। 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4 हो जाएगा, उधर की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 लॉग 3 बाय 4। ये वैल्यू आ गया हमारे पास C का। और पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुटिंग इन 1 विल गिव अस सॉल्यूशन, पुटिंग इन 1 विल गिव अस सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू 1 बाय 2 log of 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर बेस e माइनस 1 बाय 2 log 3 बाय 4 बेस e। अब 1 बाय 2 कॉमन ले लो आप, log दिस माइनस log दैट, और log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और माइनस 3 बाय 4 है तो ये अपॉन में आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। और आप ये यहाँ पर भी छोड़ना चाहेंगे छोड़ देंगे, आप एक बार बुक में देख लेंगे कि क्या सोल्यूशन वो प्रिफर करते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट योर सोल्यूशन। तो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देखने में बड़ा अटपटा है। कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज अ रियल नंबर, वाई इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज जीरो। वी आर गिवन ए बिलोंग्स टू आर, तो ए के बारे में आप चिंता नहीं करें, ए रियल नंबर है, वाई वन है एक्स जीरो है, ये हमको दिया है। अगली जो बात दी है कि वाई इज वन वेन एक्स इज जीरो, तो एक काम करते हैं कॉस को उधर भेज देते हैं। कॉस को जब आप उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए कॉन्स्टेंट है, डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें क्योंकि वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। कॉस इनवर्स ए यहाँ रखना हो यहाँ रखें, अपॉन में लाना हो अपॉन में लाएं, कोई फर्क उससे प्रॉब्लम नहीं होना है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई कॉस इनवर्स ए बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका सोल्यूशन। लेकिन अभी ये जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करना है, तो एक्स की जगह जीरो रखना है और वाई की जगह वन, तो वाई की जगह वन रख दीजिए, कॉस इनवर्स ए इंटू जीरो प्लस सी, तो ये तो जीरो हो गया, सी का वैल्यू वन आ गया। अब ये जो सी की वैल्यू वन है उसको इसमें रखना है, पुटिंग इन वन। तो C की वैल्यू जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1। अब इसमें कभी कभी थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, y माइनस 1, 1 को इधर भेज दिया, x को नीचे भेज दिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए और कॉस को भी इधर भेज दिया तो यहाँ आ जाएगा कॉस और यहाँ पे रह जाएगा a। फिर से समझ लें आप क्या किया है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, y माइनस 1, 1 को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा y माइनस 1, x को नीचे भेज दिया इज इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स a। अब cos को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा cos ऑफ y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a। तो कभी कभी आपका आंसर इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर से देखिए कि आपका आंसर आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, और बाउंड्री कंडीशन है वाई इज इक्वल टू वन वेन एक्स इज जीरो, y इज इक्वल टू वन वेन एक्स इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो। अब बहुत सिंपल है ये, आप समझ गए होंगे, dy वाई अपॉन वाई और
और 10x dx, y वाली चीज y की तरफ, x वाली x की तरफ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, y बाय log y बाय y का 1 बाय y, वो सॉरी इंटीग्रेशन 1 सॉरी 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y, 10x का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x, जो भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हैं log c। अब log कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सब log में, तो कांस्टेंट log में लिखा है। अब ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू sec x बेस e, दोनों साइड से आप log हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू c इंटू sec x, y इज इक्वल टू c इंटू sec x। अब आपके पास है ये बाउंड्री कंडीशन, तो इस बाउंड्री कंडीशन को रखिए, एट x इज इक्वल टू जीरो y इज वन, एट x इज इक्वल टू जीरो y इज वन, x की जगह जब जीरो है तो y की वैल्यू वन है, तो y इज वन c इंटू sec ऑफ जीरो, x की जगह जीरो रखा, sec ऑफ जीरो, sec ऑफ जीरो इज वन, cos जीरो का उल्टा, तो sec जीरो भी वन, तो c की वैल्यू आ गई वन, और दिस वैल्यू शुड बी सब्सटीट्यूटेड एट दिस इक्वेशन, मीन्स इज इन दिस इक्वेशन, तो देयर फॉर द इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू sec x। ये इसका सॉल्यूशन था, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।